अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लर्न प्लम्बिंग बाय AK और मैं हूँ अली इकबाल। अच्छा जी, एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक है। और पहली बात तो ये कि माजरत, कुछ मसरूफियात थी तो उनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा जी, इस वीडियो में, ठीक है, हम सीखेंगे कि टी के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उन तकरीबन उन सब के बारे में, ठीक है। तकरीबन, ठीक है, एक तो सामने सामने है, ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो ठीक है, ये काफ़ी सारे आइटम हैं, ठीक है, जो रोज़मर्रा के काम में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं ना, वही एक दो हैं जो इसमें नहीं हैं, ठीक हो गया। तो चल सबसे पहले, ठीक हो गया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो आइटम है ना, वो है अपना टी, ठीक है। सादा टी से शुरू करते हैं, तो इसका तो जनाबे वाला आपको पता ही होगा, ठीक है। टी का एक पाइप इस तरफ से, ठीक है, एक पाइप इस तरफ से और एक पाइप इस तरफ से, ठीक हो गया। लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि जो देखें ना, ये जो हिस्सा है ना इसका, ठीक है, ये जो यहाँ से, अगर यहाँ से पाइप इधर आ रहा है ना, ठीक है, तो आप यहाँ से पाइप इसमें लाएं, ठीक है, यहाँ से इसको जॉइंट करें और उधर से पाइप लाएँ, ठीक हो गया, उधर से पाइप लाएँ, उस हिस्से में जॉइंट करें, ठीक है। तो आगे जो है ना, आप नक्कासी वाला रख लें, ठीक है। मेन और रखना है आपने, नहीं रखना वो आप बेहतर जानते हैं। तो बास जगह होती हैं कि वहाँ पे जो पाइप लाइन है ना आपकी सेवरेज, ठीक है, वाया इतना नहीं होता, तो वहाँ पे मेन होल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर मेन होल है तो फिर तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। आगे आ गई हमारी प्लग टी। अब इसका इस्तेमाल भी आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये वो हिस्सा है जो अंदर से पाइप आ रहा है, दीवार के अंदर से या दीवार के ऊपर आ रहा है पाइप, ठीक है। तो ये हिस्सा उसमें लग गया, और इसमें जो आपका ऊपर से पाइप आता है, ठीक है, वो हिस्सा उसमें लग गया, और नीचे ये आपका पीस लगेगा जो आपका निकासी का पाइप है, ठीक है। नीचे नाली है या जो भी है, जैसे भी आपने करना है, ठीक है। तो प्लग का फ़ायदा ये होता है कि आप इसकी राइडिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसको खोल के तो आप इसकी राइडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़े की चीज़ ये है, ये दोनों, ये वाई टी, ठीक है, और ये फीमेल टी जो है। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें आपका मेन होल नहीं है, ठीक है, और आप इस बात से, आप इस बात पे श्योर हैं कि यार ठीक है, हमारी पाइपलाइन बंद नहीं होगी, तो इतनी बड़ी पाइपलाइन नहीं है, तो आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ से पानी एंटर हुआ, यहाँ से पानी एंटर हुआ, तो और यहाँ से आउट हो गया। अब जब इसके ऊपर पाइप चढ़ जाएगा ना इस तरह, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अंदर आ जाएगा, तो ये जो ऊपर हिस्सा चढ़ेगा इसके साथ पानी नहीं लगेगा, तो आपका जो जॉइंट है वो सेफ़ रहेगा। इस बात पे मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ हमेशा, तकरीबन हर वीडियो में जो इस तरह की वीडियो होती है, या जिसमें मैं काम कर रहा होता हूँ या किया हुआ काम सामने सामने हो, तो वो मैं दिखाता हूँ जब आपको, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। तो हम भाई करते क्या हैं, यहाँ पर भी पाइप लगाया, ठीक है, यहाँ से भी जॉइंट किया, यहाँ से भी जॉइंट किया, और आगे भी इसके अंदर पाइप दे दिया, तो वो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये 100% जो है ना, आपका काम जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर पाइप चढ़ाएंगे, ठीक है। वाया कम भी हो ना, तो भी कोशिश करें मेन होल रखने की, मेन होल ना हो तो फिर इस तरह करना है आपने, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अगर आप इससे बेहतर जानते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे सीखता रहूँगा, और मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, बस अल्लाह जिस साल में रखे जिसको, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का करम है। तो अच्छा, ये हो गया हमारा 3x4 का टी, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना सामने वाली, ठीक है, ये चीज़ दोनों जो साइड्स हैं ना वो छोड़ के, ये सामने वाली चीज़ जो है ये 3 में आती है, बाकी इसकी जो साइडें होती हैं ना, ये वाली साइड और ये वाली, ये 4 की होती हैं, ठीक है। जो साइज़ छोटा होता है ना वो टी का, जो अगला हिस्सा होता है ना साइड वाला, सॉरी साइड वाला नहीं, सामने वाला हिस्सा, वही हमेशा छोटा होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ गया बुश हमारा। अच्छा जी, इसका क्या करते हैं हम, ये एक तरह की आपकी यूं समझें कि 4x5 की साकट ही है एक तरह की, लेकिन इसे बुश कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ना इसके अंदर पाइप आएगा, ठीक है, ये जगह जो है इसके अंदर, ये आपको जो साइड पे दिखाई दे रही है ना चीज़, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, ठीक है, पाइप आ जाएगा 4 का,
और आगे इसके ऊपर पांच का पाइप चढ़ जाएगा, ठीक है। या आपने इसको चार सॉरी या पांच के पाइप के ऊपर पहले चढ़ाना है जहाँ से निकासी आ रही है, ठीक है। और आगे आगे जो आपका जॉइंट है ना वो आपने चार का करना है या जिस तरह भी आपने करना है। अच्छा जी, अब बुश जो है ना, अब हम कहेंगे कि यार इसके से तो बेहतर है कि चार बाय पाँच की साकेट हो जाए तो वो बेस्ट है। यार इससे ये है ना कि आप जो जॉइंट करते हैं वो महफूज रहता है आपका, ठीक है। अगर आप थोड़ा हैवी काम करते हैं ना, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा लंबी है, मेरा मतलब है कि वाया बहुत ज़्यादा है, तो साकेट की बजाय ये बुश ठीक रहता है वहाँ पर। और ये ओपन के लिए है, किसके लिए है? ओपन के लिए, आई समझ, ये ओपन के लिए है मेरे भाई। और ये कुछ जगह ऐसी आ जाती है ना जहाँ पे आपका जॉइंट नहीं लगता, तो ये ज़्यादा जो है ना उसके लिए है, ठीक है। तो ये जिस जगह आपको मतलब जॉइंट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखें ना, चार का जो है ना, चार इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से इसके अंदर पाइप लगेगा, ये चीज़ इधर, ठीक है, इस हिस्से में, यहाँ नहीं, इधर नहीं, ठीक है भैया, ये जो है ना यहाँ पे नहीं, ठीक है। और ये पाइप जो है ना पाँच का, ठीक है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो एक तो ये महफूज रहता है, ठीक है, इसका जॉइंट जो है ना उसको ज़्यादा मसला नहीं होता। अच्छा, आगे ये कावल आ गया, ये जो हमारा गटर जो है ना उसके जो हवा वाला पाइप होता है ना, गैस वाला पाइप, ये उसके ऊपर आता है कावल, ठीक है। ये एंड कप हो गया, एंड कप है आपका, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी डिफरेंट साइज़ में होती हैं, ठीक है। तो और ये क्लीन आउट हो गया हमारा, क्लीन आउट, ये जो है ना इसका ढक्कन ऊपर से खुल जाता है, ठीक है। ये साकेट हो गई आपकी, साकेट का तो आपको पता ही है कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर पाइप अच्छा है ना आपका, पायदार है, तो यार ये साकेट भी जो है ना यूज़ नहीं करनी चाहिए, आप खुद साकेट बनाएं, ठीक है। सिलेंडर लें आप, मैं तो कभी कभी आपको पता है ना आग भी लगा देता हूँ। तो अब आपको तो नहीं पता ना, वीडियो तो मेरी ही होती है ना कि काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो मैं तो जब साथ हूँ तो इन चीज़ों की एहतियात करता हूँ। हम बाज़ दफ़ा जो है ना शलोशन जो है ना पाइप के ऊपर लगा के ना, ठीक है, तो उसकी साकेट बनाते हैं, लेकिन ऐसा तब करना चाहिए जब कोई चारा ना हो। और हाँ, आपके पाइप की क्वालिटी भी उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, वरना सिलेंडर लें, ठीक है, उससे गर्म कर लें। बस जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं ना, अगर वहाँ पे मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं तो उनके पास जो गत्ते की बोरी आती है ना सीमेंट वाली, ठीक है, तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं आप। और ये आ गया हमारा एक और आइटम, टी है। तो यार ये साइज़ में आता रहता है, ठीक है, 3x4 की और 4x2 की, ये 4x1/4 की है, 4x1/4 की टी है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लेन की हो जिसका मुझे नहीं पता था, तो भैया आपने भी मुझे गाइड कर देना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने इस्तेमाल की हुई हैं, मैंने खुद इस्तेमाल की हुई हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हैं इस्तेमाल की हुई हैं। और इसमें वो चार मुँह वाली टी नहीं है भाई, वो नहीं लगानी चाहिए यार, जहाँ पे कोई चारा ना हो मजबूरी के तहत वहाँ पे आप लगा लें, वरना वो चार मुँह वाले टी ना लगाएं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलत गाइड किया हो तो बराए मेहरबानी मुझे भी बता दें, ठीक है, मैं आपसे सीखूँगा, आपको थोड़ा मुझसे पता चलेगा, तो इसीलिए हम सब भाई जो है ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।